अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फोर व्हील। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस गाड़ी का नाम है सुजुकी कल्टस। इसमें तीन वेरिएंट आती है, VXR, VXL मैनुअल, VXL ऑटो। आज रिव्यू स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू हाफिज सजाद मोटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ही अग्रेसिव इसकी फ्रंट लुक है। सबसे पहले इसकी लाइट में है तो सिंपल हेडलैम्प आता है, पार्किंग बल्ब आता है, इंडिकेटर आता है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलेंगे और इसकी फ्रंट ग्रिल क्रोम और मैट ब्लैक की फिनिश में आती है। सेंटर में आता है सुजुकी का लोगो। इसके साइड प्रोफाइल पे है तो सबसे पहले इसके फेंडर पे है तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। नीचे अलॉय रिम्स पे है तो 14 इंचेस के सिल्वर कलर में बहुत खूबसूरत अलॉय रिम है। 175/70 R14 टायर साइज है। साइड मिरर की बात करें तो वो रिट्रैक्टेबल नहीं है, इस बॉडी कलर आते हैं और अंदर से एडजस्टेबल है। जो इसके डोर हैंडल है वो भी बॉडी कलर आते हैं और इसमें एक करेक्टर लाइन मिलती है। इसके बैक प्रोफाइल पे है तो सिंपल से इसकी बैक प्रोफाइल है। इसकी लाइट पे है तो यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा, रिफ्लेक्टर मिलेगा और रिवर्स लाइट मिलेगी। यहाँ पे हाई माउंट इसका ब्रेक लैंप मिलेगा, सुजुकी का लोगो मिलेगा, कल्टस और VXL की बैजिंग मिलेगी। यहाँ से इसका ट्रंक ओपन होता है और ट्रंक के अंदर हैचबैक होने के लिहाज से काफी अच्छी स्पेस है। नीचे आपको स्पेयर विन मिलेगा और टूल किट मिलेगी। इसके इंजन पे है तो 1000 cc इंजन आता है, नॉइज इंसुलेशन आती है और 67 horsepower और 90 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आगे भी इसके इंटीरियर में चलते हैं। सबसे पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह की इसकी किया आती है, यहाँ पे लोग अलग और पीछे सुजुकी का लोगो। काफी स्मूथ स्टार्टिंग भी है। सबसे पहले इसके डोर पे है तो यहाँ पे इसका डोर लैश आता है ब्लैक कलर में। यहाँ पे इसके मास्टर कंट्रोल आते थे जिसमें सारी विंडोज की पावर है, उनमें से एक ऑटो है। डोर लॉक करने की ऑप्शन आती है और साथ में साइड में एडजस्टेबल की ऑप्शन। यहाँ पे आपको फैब्रिक मिलेगा, नीचे आपको फाइल होल्डर मिलेगा और स्पीकर मिलेगा। यहाँ पे इसके फॉग लैंप से कंट्रोल मिलेगी और वॉलेट होल्डर मिलेगा। यहाँ पे AC पर मिलेगा जिसके सराउंडिंग सिल्वर में है। मीटर में आए तो सिंपल सा मीटर आता है जिसके यहाँ पे RPM बीच में 180 इसकी टॉप स्पीड है, स्पीड आती है। और यहाँ पे इसकी फ्यूल की इंडिकेशन और छोटी सी MID आती है। सेंटर पे आए तो हैजर्ड्स का बटन आता है, दो AC वेंट्स आते हैं, उसके सराउंडिंग सिल्वर में है और इसके अंदर एंड्रॉयड पैनल आता है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों है और जिसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। नीचे AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं और थोड़ी स्पेस आती है। 12 volt का चार्जिंग टॉप आता है, 5 speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स आते हैं। नीचे आपको दो जो है कप होल्डर मिलेगी और मैनुअल हैंडब्रेक मिलेगी, पीछे भी आपको एक कप होल्डर मिलेगा। इसके पैसेंजर साइड पे आए तो ऊपर आपको एयरबैग मिलेगा, AC वेंट मिलेगा जिसके सराउंडिंग सिल्वर में है। नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर अच्छी स्पेस है। ऊपर आए तो ऊपर इसके अंदर आपको लाइट मिलेगी और शेड्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। सेंटर में आपको सिंपल रियर व्यू मिलेगा। इसके कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट इसका अच्छा है, साथ में लेग स्पेस भी सही है और हेड स्पेस भी ठीक है। इसकी सीट आपको फैब्रिक में मिलती है जिसके अंदर आफ्टर मार्केट पोशिश हुई है, साथ में मैनुअल एडजस्टेबल है। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर दो एयरबैग आते हैं, 5 सीट बेल्ट आती है, साथ में ABS आता है। अब इसके रियर पे आए तो एंट्री एग्जिट अच्छी है, साथ में लेग स्पेस भी अच्छी है और हेड स्पेस भी अच्छी है। इसके रियर डोर पे आपको ब्लैक कलर का डोर लैश मिलेगा, पावर विंडो का कंट्रोल मिलेगा, नीचे कप होल्डर और फाइल होल्डर मिलेगा, स्पीकर मिलेगा और पीछे आपको दो हेडरेस्ट मिलेगा जो कि सीट के अंदर ही बने हुए हैं और सीट बेल्ट मिलेगी और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा।